Hi guys and welcome back to my YouTube channel Freaky Jatin. I hope everyone is doing well fine. And आज का जो अपडेट है आप लोग के साथ वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग ने वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा. सो दिस ईयर फाइनली आई एम गोइंग टू गिव द UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 जो कि होने वाला है 16th of June. और यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर ये है मेरा एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड आ चुका है, आज ही मैंने एडमिट कार्ड प्रिंट कराया है. आज है, जैसे कि आपको पता है, आज है 9th of June एंड 16 जून, 16th of June को आर एग्जाम, दैट इज संडे को हमारी एग्जाम है. तो ऑलमोस्ट मेरे पास 7 डेज है. जो टाइटल में आपने पढ़ा कि कैसे हम 7 दिन के अंदर 7 डेज में वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम को क्लियर करने जा रहे हैं, दैट इज UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो मेरे पास एडमिट कार्ड आ चुका है. 16th of June को एग्जाम है. पेपर 2 स्टेजेस में होगा. पहला पेपर होगा 9:30 से 11:30 के बीच में, पेपर 1 जो कि होने वाला है जनरल स्टडीज का, और पेपर 2 होने वाला है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT जो कि होता है क्वालिफाइंग पेपर. तो पेपर 1 में आएंगे 100 क्वेश्चन, जो टोटल मार्क्स रहेंगे 200, और पेपर 2 में भी आएंगे 80 क्वेश्चन और मार्क्स रहेंगे 200. तो जो हमारा पेपर 1 रहता है जनरल स्टडीज का, जो पेपर बोलते हैं, उसमें क्वेश्चन आते हैं करेंट अफेयर्स के, पॉलिटी के, साइंस के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के और पूरी दुनिया भर के. और जो पेपर 2 होता है, जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वहां पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे. तो हम वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को 7 दिन में क्वालिफाई करने वाले गाइस. ये कैसे करने वाले वो मैं अभी आपको फटाफट बताते जाता हूँ, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे. सो मैंने 7 डेज का प्लान बनाया है. यहाँ पे 7 डेज पे 7 चीजें करना है, लाइक मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रिविजन. तो मंडे से कल मैंने जब एनालिसिस किया पेपर्स का, तो मुझे ये पता चला कि सिविल सर्विसेज के प्रिलिम्स में जो हमारा पेपर 1 होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर 2 तो क्वालिफाइंग है, उसमें आप थोड़े से नंबर लाओ और आप आगे बढ़ जाओगे, तो वो तो हमारा क्वालिफाई वैसे ही हो जाएगा. क्योंकि जब हम 7 दिन में पेपर ही निकाल देंगे, तो क्वालिफाइंग वाला पेपर तो ऐसा चुटकी भर का काम है और तुरंत हो जाएगा. तो पेपर 1 की बात अगर की जाए, जहाँ पे हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है, जिसके लिए हमारी मैक्सिमम प्रिपरेशन लगने वाली है, जो कि है जनरल स्टडीज का पेपर. यहाँ पे 200 में से 200 मार्क्स में से हमेशा ऑलमोस्ट, जैसे हर साल का ट्रेंड देखा जा रहा है, 100 मार्क्स हमारा कट ऑफ जाता है, दैट इज 50%. 50% कट ऑफ जाता है, मतलब 50% से ज्यादा नंबर लाने, 50% से ज्यादा नंबर लाने, मतलब हमको 100 में से अराउंड 60-75 क्वेश्चन सही करने हैं. और जो एनालिसिस मैंने अभी तक देखा है, उससे मुझे ये पता चला है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे आते हैं करेंट अफेयर्स के. तो 5 दिन में, 5 महीने का, मतलब अप्रैल, मार्च, फरवरी, जैन, दिसंबर, 5 महीने में, 5 महीने का करंट अफेयर्स हम 5 दिन में, 5 महीने का करंट अफेयर्स हम प्रिपेयर कर लेंगे इन एंड आउट. उसके अलावा गाइस, जो आपको पता होगा कि यूपीएससी में बोला जाता है कि कुछ बुक्स होती हैं जिनको हम बाइबल बोल सकते हैं यूपीएससी का, मतलब इसको कर लिया तो पेपर निकल गया. ये एक बुक है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, और ये एक बुक है मॉडर्न हिस्ट्री. तो इसको चिट्ठी टाइप ऐसा है, 2 बार घुमाएंगे ऐसे ऐसे, और ये भी हो जाएगा. जोक्स अपार्ट गाइस, ये मजाक कर रहा था मैं, बट रियलिटी ये है, 5 दिन में हम इसका पूरा खत्म कर देंगे. इन द सेंस समरी पढ़ेंगे और निकालते जाएंगे. जैसे एग्जाम में 1 दिन पहले पढ़ते थे, तो यहाँ पे 1 दिन पहले नहीं पढ़ सकते, पर 5 दिन पहले पढ़ोगे तो पेपर निकल जाएगा. तो ये स्ट्रेटेजी आप लोग को भी फॉलो करना है. डेली बेसिस पे मैं आपके साथ अपडेट्स शेयर करते रहूंगा कि आज मैंने ये पढ़ा, कल मैंने ये पढ़ा. और संडे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारा, उस दिन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, क्योंकि पेपर का मैं सेंटर से, जहाँ पे हमारा सेंटर है, जो कि इस बार मैं एग्जाम दे रहा हूँ गुरुग्राम से, तो गुड़गांव से एग्जाम दे रहा हूँ, तो यहाँ के सेंटर से आपको लाइव अपडेट देते रहूंगा. एक तो पहली चीज, पेपर मैं भी दे रहा हूँ, साथ ही साथ बाकी लोगों का क्या एनालिसिस रहा वो भी आपको मिलते जाएगा. तो गाइस, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज से फ्राइडे तक, अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की है मेरे जैसे, तो अभी आप तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको मैं बताऊंगा कि आज मैंने क्या पढ़ा, कल मैंने क्या पढ़ा. तो ऐसे 7 डे की सीरीज बनेगी, जहां से आपको पता चलेगा कि 7 डेज में वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं. तो तुरंत गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम के मेरा जो अकाउंट है उसको फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम अपडेट्स आपको वहां से मिलेंगे. और डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको कुछ लिखना है तो आप वो भी कर सकते हैं. तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, 7 दिन का ही टाइम है, मुझे वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम निकालना है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम,
लेट्स फोकस ऑन आवर जॉब. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत.